करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा और मुजफ्फरपुर जंक्शन को किस तरीके से ये मॉडल है हम आपको दिखा सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन का ये मॉडल है और वीडियो मॉडल भी जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। 446 करोड़ की लागत से 2025 सितंबर तक ये बना लिया जाएगा, करीब 3 वर्षों में ये बना लिया जाएगा, जिसको लेकर रेलवे ने तैयारी कर रखी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय जंक्शन बनाया जाएगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, इसका मॉडल भी जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। हम दिखा सकते हैं आपको 446 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा और मुजफ्फरपुर जंक्शन को किस तरीके से ये मॉडल है हम आपको दिखा सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन का ये मॉडल है और वीडियो मॉडल भी जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। 446 करोड़ की लागत से 2025 सितंबर तक ये बना लिया जाएगा, करीब 3 वर्षों में ये बना लिया जाएगा, जिसको लेकर रेलवे ने तैयारी कर रखी है और इसका मॉड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बीजेपी सांसद अजय निषाद भी इसे देखने पहुँचे थे और कार्यों का जायज़ा लिया, उन्होंने क्या कुछ कार्य हो रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उसका जायज़ा लिया है और किस तरीके से ये मॉडल है हम आपको दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और विश्व स्तरीय इसको बनाया जाएगा, जिसमें कई सारी सुविधाएं होंगी, शॉपिंग मॉल होगा, होटल होगा, यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और आपको वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये व्यवस्थाएं होंगी और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद अजय निषाद। पहले आप वो सुनिए, कितना का प्रोजेक्ट है टोटल? ये लगभग 440 करोड़ का है और अगर जरूरत पड़ेगी राशि बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार उसके लिए भी तैयार है। हम लोग का ध्येय यही है कि मुजफ्फरपुर सुंदर बने, सुसज्जित बने और यात्री की सुविधा बढ़े। लगभग 4.5 लगभग जी खर्च हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर स्टेशन को जो धार्मिक अतिक्रमण हुआ है उससे मुक्ति कैसे मिले? देखिए वो सब तो उसमें भी जो संज्ञान में जो नई बातें आती हैं तो उसको जो उचित प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को क्षति नहीं हो, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना हो। मुजफ्फरपुर ऐसा नहीं लगता क्योंकि पहला स्टेशन है जहाँ पर पटरी के बीच में मस्जिद बनाई। अच्छा, वो तो अब हमारे से पहले का है, एक बार मैं इस पे उठाया था ये मामला, लेकिन रेलवे की तरफ से जो बताया गया था कि वो उनका निजी जगह है, लेकिन बार बार एक मामला उठा था इसमें कि जिस समय ये लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उस समय रेलवे का आवागमन रहता है तो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने क्या कुछ कहा, उन्होंने भी कई सारी बातों को बताया है। 446 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा और इसका कार्य शुरू कर दिया गया है। विश्व स्तरीय जंक्शन बनाया जाएगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी जो बड़े शहरों में है वैसी ही सुविधाएं यहां मिलेंगी। यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे, एलिवेटेड रोड होगा, साथ ही साथ जो मॉल और होटल भी होगा इस जंक्शन पर और इसे तोड़कर बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन को तोड़कर विश्व स्तरीय जंक्शन बनाया जाएगा। 446 करोड़ की लागत से इसे 2025 के सितंबर महीने में कार्य संपन्न करने की तिथि मुकर्रर की गई है कि इस समय तक बन जाना चाहिए, तो इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी सांसद भी पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।